सहाबा अहले बैत रज़ी अल्लाह अन्हुम के हवाले से यकीनी तौर पे हमारे अकायद और नज़रियात में मज़ीद पुख्तगी पैदा हुई होगी। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत जी का आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, हम सब का यहाँ मिल बैठना भी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। सिर्फ एक ऐलान, इसके बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी। इंशाअल्लाह हमारा अगला दरसे कुरान पाक 81वां दरसे कुरान पाक। अल्लाह तबारक व तआला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है, हम तो इस लायक भी नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये तौफीक इनायत फरमा रखी है। अल्लाह हमेशा के लिए ये तौफीक अपने ईमान के साथ हम में कायम व दायम रखने की तौफीक नसीब फरमा दे। इंशाअल्लाह अगला दरसे कुरान पाक मदरसा कासमिया, ये गंजा मोड़ जीटी रोड पे मदरसा कासमिया है इंशाअल्लाह, वहाँ बाद नमाज मगरिब इंशाअल्लाह 81वां दरसे कुरान पाक 3 सितंबर रोज इतवार को बाद नमाज मगरिब इनेकाद पज़ीर होगा। इसमें साबिक कादियानी इरफान महमूद बर्क साहब, इनसे हमने वक्त लिया है इंशाअल्लाह, वो यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से बयान करेंगे। यकीनी तौर पे ख़त्म नबूवत के हवाले से क्योंकि वो घर का भेदी है, तो वो जो बातें हमें बता सकता है यकीनन वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होंगी। आप हज़रात उसमें भी ज़रूर शिरकत करेंगे। अभी इंशाअल्लाह दुआ होगी, उसके बाद खाना, और उसके फिर और बात इंशाअल्लाह यहीं पर नमाज इशा बाजमात अदा की जाए।